तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं जी हाईवे के ऊपर जमींदारा ढाबा पे। जम्मू से 20 से 25 किलोमीटर पहले ही आता है, जब आप पंजाब की तरफ से जाते हैं तो माता वैष्णो माता दरबार जाते हुए रास्ते में पहुंचता है जी जम्मू से कुछ किलोमीटर पहले ये ढाबा। और इतना पसंद किया जाता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुकती हैं ये खाना खाने के लिए। और यहाँ पर घंटों तक पकने वाला दाल मखनी जो देग में बनाई जाती है, और भाई साहब देसी घी के पकवान, राजमा चावल देसी घी वाले, दाल मखनी देसी घी वाली, भाई साहब आइए आनंद लेते हैं, अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं पूरा सेटअप और किचन भी। चलिए आइए चलते हैं। और भाई साहब ये आ चुके हैं जी हम अंदर और आपको दिखा रहे हैं जी ये देग। तीन देग चलती है एक बार में और सरदार जी खुद देखिए घंटों तक इस दाल को बनाते रहते हैं और 10 से 12 घंटे लगते हैं इस दाल को बनने के लिए। और भाई साहब ये इतनी देर तक करने के बाद इतनी मखमली और इतनी मलाई बन जाती है दाल, जिसको खाने में मज़ा आ जाता है। ये है यहाँ की स्पेशलिटी। अब चलते हैं अंदर किचन में और आपको सिखाते हैं अंदर किचन का सारा सेटअप। चलिए आइए चलते हैं। तो भाई साहब अंदर हम आ चुके हैं और अंदर आते ही जो तड़के की खुशबू है ना, उसको हम कैसे मिस कर सकते हैं भाई साहब। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये तड़का, पर इसमें क्या 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 डाला है सर? इसमें सरसों का तेल डाला हुआ है, उसमें जीरा डाल के ऊपर से प्याज डाले हुए हैं, अदरक और लहसुन। अब उसके बाद अभी इसमें टमाटर की प्यूरी आएगी बिल में। क्या बात है जी, खूबसूरती। और आगे देखिए जना बड़े बड़े पतीले चेक कीजिए, बड़ी जरा उधर भी हमें रूबरू कराइए। भाई साहब ये दाल देख सकते हैं आप, इसका टेक्सचर देखिए जरा कितना क्रीमी टेक्सचर है। अरे भाई साहब ये देखिए जी, अगर भाई साहब दाल आपको भी पसंद है ना तो इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। और दाल की खूबसूरती चेक कीजिए, कितनी मखमली और कितनी रेशमी दाल लग रही है, एकदम क्रीमी। मुंह में पानी नहीं आया तो आ जाएगा, बाइट लेने आ जाइए, देखना पानी क्या सलाब आ जाएगा पानी का। पारी आगे देखे क्या है जी, और उससे आगे पानी पहले ये बताओगे ये दाल बनती कितने किलो है यहाँ पे? ये काम के डिपेंड होती है सर। और ये देखिए जी आगे बढ़ गए हैं हम और आगे आपको दिखाने जा रहे हैं जी लाल राजमा। ये है जी जम्मू की जान, जम्मू की शान, जम्मू की पहचान। और भाई साहब कितने खड़े मसाले हैं इसमें, पारी जबरदस्त। पारी ये कितने किलो राजमा बने हुए हैं इस बार? ये सर 15 किलो। ये 15 किलो राजमा बने हैं। और भाई साहब चेक कीजिए जरा, और ऐसा नहीं है सेटअप सिर्फ एक ही बार में बनता है, ये बनते रहते हैं सारे दिन। और बड़ी खूबसूरती है जी, आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको दिखाते हैं जी यहाँ की सुपर स्पेशल कड़ी। ये कड़ी और भाई साहब ये चेक कीजिए जी। और बड़ी ये किससे बनाते हैं, लस्सी से दही से? सर दही से, दही ये दही से बनती है। और जबरदस्त है भाई साहब, जबरदस्त। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जहाँ पे तड़के लगाए जाते हैं बेहतरीन वाले, आइए वहाँ दिखाता हूँ आपको। और ये चेक कीजिए जनाब, ये आ गया जी लाइव तड़के वाला सेक्शन। यहाँ पे फुल डन की जाती है कड़ी, तड़का मार के पकौड़े डाल के। और भाई साहब कलर चेक कीजिए कड़ी का, एकदम से मुंह में पानी आ जाता है। और ये देखिए भाई साहब ये है जी फाइनली डन की गई, रंग देखिए एकदम से खिल गया है रंग, और कसूरी मेथी के साथ गार्निश कर दिया गया है, तो एकदम से खिल चुकी है जी दाल। और ये देखिए ये ऑर्डर लगने वाले हैं और ये अगला ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर यहाँ पे बुकिंग होते रहते हैं क्योंकि बनने से पहले ये बिकी होती है। आप देख सकते हैं ये कैसे इसमें से देसी घी निकल के आया हुआ ऊपर, जबरदस्त है भाई साहब, जबरदस्त। और भाई साहब तड़के के स्वाद के साथ साथ आपको दिया गया है ध्यान यहाँ पे स्वीट डिश का भी, तो उसके लिए रखी गई है यहाँ पे खीर और गुलाब जामुन। भाई साहब खीर चेक कीजिए जरा, बादामों वाली खीर, ड्राई फ्रूट वाली खीर, जबरदस्त। तो भाई साहब टाइम हो चुका है जी थाली लगवाने का, मुंह में पानी चल रहा है फुल ऑन। चलिए आइए थाली लगवाते हैं अपनी और देखते हैं कैसा जायका होता है यहाँ के खाने का। और भाई साहब ये लगने जा रही है जी जमींदारा ढाबा की बहुत ही स्पेशल थाली। और ये आ गई जी सबसे पहले दाल आ गई जी, और ये आ गए जी राइस आ गए इसके साथ। भाई साहब ये ढक्कन उठते ही क्या खुशबू आती है ना। और ये देखिए जी ये भाजी देसी घी, और भाई साहब बारिश है देसी घी की, कम नहीं क्वांटिटी डाली जाती, दिल खोल के डाली जाती है। और ये आ गई जी खड़े मसालों वाली गाढ़ी गाढ़ी तड़के वाली कड़ी आ गई जी, कड़ी पकौड़ा आ गया जी। अरे भाई साहब सुपर। और ये आ गया जी शाही पनीर। तो भाई साहब तीन सब्जियां आ गई, राइस आ गए, और ये आ गई जी स्वीट डिश, जबरदस्त। भाजी इसके साथ क्या देते हैं? रोटी भी आती है, यहाँ बटर नान होता है। बटर नान भी आता है। और ये आ गया जी रायता। भाजी कितने की थाली है ये? 250 रुपये की। बहुत बढ़िया सर। तो ये देखिए जी देसी घी वाली थाली सच की है जी, इसके साथ बटर नान लेते हैं, जायका चखते हैं जी कैसा होने वाला है। चलिए ये टेबल पे चलते हैं जी। और भाई साहब ये आ गई राजमा चावल की प्लेट। और भाई साहब ये देखिए जी ये आ गई जी देसी घी की बारिश, देसी घी का पूरा स्विमिंग पूल बन जाता है जी यहाँ पे, ये चेक कीजिए जी। तो भाई साहब सुपर स्पेशल राजमा चावल आ गए जी, ये आ गई जी सुपर स्पेशल थाली आ गई जी जमींदारा ढाबा की, और ये आ गया जी बटर नान, और ये हैं जी सरदार जी। सरदार जी थैंक यू सो मच जी, आपने बड़ी खूबसूरती से हमें खाना दिखाया सारा।
और आइए जी हम चखते हैं इसका स्वाद कैसा होने वाला है, देखते हैं जी कैसा जायका होता है। तो भाई साहब ये सज चुकी है जी हमारी देसी घी वाला खाने का पकवान जमींदारा ढाबा की सुपर स्पेशल थाली। इसमें आ चुका है जी, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ देसी घी वाली दाल आ गई जी, ये ज़रा चेक कीजिए। और पहले से ही दाल इतने घंटे पकने के बाद देख के अंदर इतनी मखमली बन जाती है, ऊपर से देसी घी ज़बरदस्त है जनाब। और ये आ गया जी शाही पनीर आ गया जी, और क्यूब चेक कीजिए और रिच ग्रेवी चेक कीजिए एकदम बढ़िया। और ऊपर से आ गया जी कड़ी पकौड़ा आ गया, और ये आ गया जी मिक्स वेज रायता आ गया जी, प्लेन राइस आ गए और मिक्स वेज सब्जी आ गई, और सबसे एंड में ये आ गया जी खीर, स्वीट डिश का भी ध्यान रखा जाता है। तो इसको खाने के लिए साथ में बटर रोटी भी दी जाती है, बटर नान दिया जाता है। और उसके अलावा जो मेरा फेवरेट है यहाँ का, मुझे नहीं लगता कि ऐसे राजमा चावल पूरे इंडिया में कहीं और मिलते हैं, तो ये आ गए जी देसी घी वाले राजमा चावल एकदम से बढ़िया, और भाई साहब एकदम से जूसी। और मैं सीरियसली कहता हूँ कि अगर आप जम्मू से, पंजाब से जम्मू जा रहे हैं या माता वैष्णो माता के दरबार जा रहे हैं, तो भाई साहब इस खाने को आप कभी भी मिस नहीं कर सकते हैं। ये ऊपर नाम पढ़ लीजिए, ये ब्रांड पढ़ लीजिए, जमींदारा ढाबा। और ये हाईवे है बैक साइड पे आप देख सकते हैं, ये मेन हाईवे है पंजाब से जम्मू जाते हुए, तो आपको बड़ा सा सांबा मोड़ के ऊपर जमींदारा ढाबा का बोर्ड दिखेगा, बस वहीं पे आपको रुकना है और ये बेहतरीन जायका चखना है। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्यार दीजिएगा, मिलते हैं कल नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय दोस्तों।